हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन जैन क्लासेस। आज हम लोग आ गए हैं स्टैंडर्ड 6 प्रैक्टिस सेट 8 पे पहुंच गए हैं। अभी इसका मैंने एक और लेक्चर जो सेम है, इंटीजर्स नंबर्स को कैसे सॉल्व करेंगे, उसका हम लोग ने देखा था, लेकिन वो प्लस था वहां पर, है कि नहीं। अभी हम लोग माइनस का देखेंगे। बहुत ही सिंपल है, आपको सिर्फ ध्यान से देखना है। आप सोच रहे हो कि ओ इतना बड़ा चार्ट कैसे कंप्लीट करें, एकदम सिंपल है, सिर्फ आपको ध्यान से देखना। स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है सभी से, जय हिंद क्लासेस के चैनल को जितने लोगों ने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लेंगे, इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और बाकी अपने फ्रेंड्स को भी रेफर करेंगे, ताकि उनको भी इस तरह का वीडियो लेक्चर फ्री में मिल सके और उनके भी स्टडीज में इम्प्रूवमेंट हो सके। ये टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियो लेक्चर्स है, इसमें कोई भी चार्जेस नहीं है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। स्टैंडर्ड 6 मैथ्स प्रैक्टिस सेट 8, यहाँ पे स्टार्ट एकदम बेसिक है। पहले आपको क्या करना है, दो है नंबर्स, एक यहाँ पे कॉलम्स में है और एक रो में, इसको रो बोलते हैं। ये रो है और ये कॉलम्स है, तो रो का नंबर्स पहले लिखना है आपको, 3 लिख दिया। फिर सिंबल कौन सा है यहाँ पे, माइनस, तो माइनस 6 इक्वल टू, तो 3 में से 6 नहीं जाएगा, तो 6 में से 3 ले लो, तो क्या आ जाएगा, 3 सबसे ज्यादा साइन किसका है, 3 का नहीं 6 का है, तो माइनस का साइन आ जाएगा, तो माइनस 3, ये उसका आंसर हो गया। सेम उसी तरह अभी हम लोग ये पूरा रो सॉल्व कर देंगे ऐसे ही, 3 ठीक है, यहाँ पे क्या है माइनस 9, तो ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, अभी 3 और 9 है तो कितना आ जाएगा 6, और सबसे ज्यादा ग्रेटर साइन किसका है, माइनस का, तो माइनस 6 है कि नहीं, सिंपल है। उसी तरह 3 माइनस है, अभी यहां पे भी माइनस है ना, तो हम लोग माइनस 4 ऐसे नहीं लिख सकते, ये रॉन्ग हो जाएगा, तो लिखेंगे कैसे, तो ऐसे लिखेंगे 3 माइनस ब्रैकेट में माइनस 4 है कि नहीं, फिर इक्वल टू 3, अभी ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस याद है, माइनस अगर ब्रैकेट में है फिर से माइनस है तो क्या आ जाएगा, प्लस, तो प्लस 4, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 7, है कि नहीं समझ में, है कि नहीं सिंपल। उसी तरह 3 माइनस ब्रैकेट में माइनस 5 है कि नहीं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा, 5 और 3 8 हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। 3 माइनस 0 तो क्या आ जाएगा 3, क्योंकि सबसे ज्यादा ग्रेटर साइन किसके पास है, 3 के पास है कि नहीं सिंपल। कितना टाइम लग रहा है, 2 मिनट के अंदर पूरा सॉल्व कर सकते हो आप एक रो को, तो 3 यहाँ पे क्या है माइनस, तो ले लो माइनस 7, ब्रैकेट में प्लस दिया है तो फॉर्मेलिटी के लिए प्लस दिखा दो। अभी यहां पर नीचे ले लेते हैं हम लोग, तो 3 यहाँ पे प्लस और माइनस क्या आ जाएगा, दिख नहीं रहा होगा शायद अच्छे से, तो मैं फिर से लिख देता हूँ, तो प्लस माइनस क्या आ जाएगा माइनस 7, तो ब्रैकेट, अभी मैं इतना सॉल्व करा के क्यों दे रहा, ताकि आपको पूरा एकदम अच्छे से समझ में आए। तो 3 और 7, तो 3 में से 7 तो नहीं जाएगा, तो 7 में से 3 ले लो, कितना आ जाएगा 4, और सबसे ज्यादा ग्रेटर साइन किसका है, माइनस का, तो माइनस आ जाएगा, माइनस 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 यहाँ पे ले लो फिर से, इक्वल टू 3 माइनस, अभी यहाँ पे भी माइनस है तो ब्रैकेट में लेंगे माइनस 8, क्योंकि सेम सेम साइन साथ में नहीं रख सकते, समझ में आया, तो 3 माइनस और माइनस क्या आ जाएगा प्लस 8, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 3 और 8 11, आ रहा समझ में, सिंपल एकदम। 3 ये माइनस, अब यहां का माइनस तो ब्रैकेट में ले लेंगे उसको, 3 माइनस माइनस क्या आ जाएगा प्लस, ये क्या आ जाएगा 6, समझ में आ गया। अब हम लोग सेकेंड रो देखेंगे, सेम उसी तरह 8 क्या आ जाएगा माइनस 6, तो कितना आ जाएगा 2, अभी यहाँ पे प्लस 2 की आएगा, क्योंकि 8 क्या है, 8 का साइन ज्यादा है, 8 माइनस 9 ग्रेटर माइनस 1, क्योंकि 9 का माइनस का जो साइन है ज्यादा है, 8 माइनस माइनस 4, तो क्या हो जाएगा
माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 8 और 4 12 प्लस 12 है कि नहीं, 8 माइनस माइनस 5 तभी हम लोग डायरेक्ट कर सकते हैं, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 8 5 13। एक और स्टेप सॉल्व करा के दूं क्या, चलो सॉल्व करा के दे देता, क्योंकि इतना बड़ा बॉक्स बनाया तो फिर फायदा ही क्या है कि नहीं, इसको भी सॉल्व करा दो। चलो ठीक है, जब आप लोग बोल ही रहे हो तो सॉल्व भी करा देता हूँ, वो आप लोग बोलो है ना, चाहिए था ना आप लोग को सॉल्व करा के। चलो देख लो, इक्वल टू पहले ले लो, माइनस ये आ गया, फिर माइनस 4 ब्रैकेट, तो ये माइनस और ये माइनस क्या आ जाएगा प्लस, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है मल्टीप्लाई करने पे, 4 8 4 12। सेम उसी तरह यहाँ पे भी ले लो, 8 माइनस ब्रैकेट में 5 तो क्या हो जाएगा माइनस, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 8 प्लस 5 8 5 13, इसका आंसर क्या आ जाएगा 13 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 13। उसके बाद दिया है सेम 8 माइनस 0 तो इक्वल टू क्या आ जाएगा 8। अभी हम लोग यहाँ पर इक्वल टू क्यों प्रेस कर दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी वैल्यू हम लोग को कितनी मिल रही है, यहाँ पर 8 माइनस माइनस 4, तो हम लोग डायरेक्टली यहाँ पे हमारे पास स्पेस नहीं है कि इक्वल टू प्रेस करके लिखे, तो इसके लिए इसके इक्वल टू में हम लोग यहाँ पे आंसर को सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पर समझ में आया, 8 माइनस अभी ब्रैकेट में प्लस, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 8 है और यहाँ पे माइनस है प्लस है, तो क्या आ जाएगा माइनस 7, तो ये 1 हो जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस क्या होता है माइनस होता है, सिंपल एकदम। ठीक है, अब हम लोग डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं, 8 माइनस माइनस 8 तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 16 है कि नहीं, फिर से 8 माइनस माइनस 3 माइनस माइनस प्लस 8 एंड 3 11 है कि नहीं, सिंपल। अब थोड़ा हम लोग जल्दी जल्दी सॉल्व कर लेंगे, माइनस 3 यहाँ पे भी माइनस है और माइनस फिर ब्रैकेट में 6, ब्रैकेट की जरूरत ही नहीं क्योंकि माइनस है ही है तो ऑलरेडी प्लस है, तो माइनस और माइनस क्या आ जाएगा माइनस 9, क्योंकि सेम नंबर्स अगर साइन सेम है तो क्या होगा नंबर्स को ऐड कर देंगे, माइनस 3 प्लस नहीं प्लस नहीं माइनस दिया ना माइनस 9, तो माइनस माइनस क्या आ जाएगा माइनस 9 एंड 3 12, माइनस 3 यहाँ पे भी माइनस ले लो, यहाँ पर भी माइनस है, वाह, तो ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, यहाँ पे मैं सॉल्व करा दे रहा हूँ, माइनस 3 माइनस माइनस क्या आ जाएगा प्लस, तो ये प्लस 4 हो गया, अभी 3 में से 4 तो नहीं जाएगा, तो 3 में 4 में 3 इससे माइनस कर दो क्या आ जाएगा 1, सबसे ज़्यादा साइन किसका है माइनस का, तो प्लस आ जाएगा है कि नहीं, सिंपल। माइनस 3 फिर माइनस यहाँ पे भी क्या है माइनस 5 है, तो डायरेक्टली कर सकते हैं प्लस माइनस, सॉरी माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 3, तो 5 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा 2। समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है तो यहाँ से समझ सकते हो, समझ में आया कि नहीं, माइनस 3 माइनस 3 यहाँ पे भी माइनस है तो यहाँ पे भी माइनस ले लो और यहाँ पर तो 0 ही है तो 0 आ जाएगा, तो ये तो सबसे सिंपल है माइनस 3, सिंपल है कि नहीं, माइनस 3 फिर वहां से माइनस ले लेंगे यहाँ माइनस आ गया और यहाँ से प्लस 7 ले लेंगे तो ये क्या आ जाएगा प्लस और माइनस तो माइनस हो जाएगा है कि नहीं, और माइनस हो गया तो यहाँ पे भी माइनस है तो माइनस माइनस क्या आता है सेम साइन होता है तो नंबर्स ऐड हो जाता है, तो 7 एंड 3 10
टेन टेन टेन, माइनस थ्री, वहां का भी माइनस ले लो, उसको नहीं छोड़ना है, अब ब्रैकेट का भी माइनस ले लो एट, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, एट में से थ्री जाएगा फाइव, टेन फाइव, टेन फाइव, थ्री थ्री टेन फाइव, मस्त आंसर आ रहा है ना, माइनस थ्री, वहां पे भी माइनस है उसको भी ले लो, यहाँ पे ब्रैकेट का भी माइनस ले लो, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, है कि नहीं? अभी आप सोच रहे हो कि पहले क्यों नहीं सॉल्व कर रहे थ्री वाले को, इसको क्यों सॉल्व कर रहे, पहले ब्रैकेट सॉल्व करना कंपलसरी रहता है, समझ में आया? तो माइनस माइनस प्लस, तो ये प्लस थ्री हो गया और ये थ्री, तो क्या आ जाएगा, ये जीरो हो जाएगा। हो सर ये क्या कर रहे हो, कैसे आया, इधर देखो, माइनस थ्री, माइनस माइनस मल्टीप्लाई कर देंगे तो प्लस थ्री, और थ्री में से थ्री जाएगा तो क्या बचेगा, जीरो ही बचेगा ना, है कि नहीं? अब बच गया लास्ट वाला, इसको सॉल्व कराया जाए, क्योंकि ये देखो यहाँ पे माइनस थ्री है और यहाँ पे भी माइनस टू है, तो फर्क है क्या, सिर्फ नंबर्स का डिफरेंस है, बाकी साइन तो सेम ही है, तो इसको तो सॉल्व कर सकते हो, नहीं कर सकते? चलो मैं सॉल्व करा दे, माइनस टू, यहाँ पे भी माइनस सिक्स, माइनस माइनस सेम साइन हो जाएगा, तो माइनस एन प्लस सिक्स टू एट, हमेशा याद रखना सिर्फ सेम साइन पे ही नंबर्स ऐड होंगे माइनस में और प्लस में, अगर मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में साइन है प्लस और माइनस, तो उसके लिए जो मैंने रूल बताए थे अलग से उसको फॉलो करना है, प्लस इंटू प्लस प्लस हो जाएगा, प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, और माइनस इंटू प्लस माइनस हो जाएगा, ये सिर्फ मल्टीप्लीकाई, समझ में आया? और सेम सब एडिशन और सब्ट्रैक्शन, अगर साइन आ रहा है तो सेम साइन रहेंगे तो नंबर्स ऐड हो जाएगा, अपोजिट साइंस रहेंगे तो नंबर्स माइनस हो जाएगा, और जिसका साइन ज्यादा रहेगा वो साइन आ जाएगा, सॉरी माइनस, माइनस टू माइनस है और नाइन, तो नाइन माइनस माइनस सेम, और नाइन टू, नाइन टू इलेवन, माइनस इलेवन, यहाँ पे देखो माइनस टू है उसको ले लिए, यहाँ का भी माइनस ले लो और यहाँ का भी माइनस ले ही लो, तो कितना आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस, ब्रैकेट में है मल्टीप्लाई, तो प्लस फोर, अब माइनस टू, तो कितना आ जाएगा, टू हो जाएगा, टू कितना आ जाएगा, टू, नहीं समझ में आएगा तो यहाँ से देख लेना, देखो सेम टू सेम है ना, माइनस टू माइनस, ये माइनस टू यहाँ लिख लिया, ये वाला माइनस यहाँ से ले लिए, और ये कॉलम का माइनस फाइव ले लो, तो ये तो दोनों हो जाएंगे प्लस और ये है माइनस, तो फाइव में से टू जाएगा तो बच जाएगा थ्री, क्या बचेगा, थ्री, अब यहाँ पे देखो आंसर, यहाँ पे टू, यहाँ पे थ्री, यहाँ पे वन, यहाँ पे टू, है कि नहीं सिंपल, यहाँ पे ट्वेल्व, यहाँ पे इलेवन, यहाँ पे नाइन, यहाँ पर एट, मस्त है, यहाँ पे माइनस थ्री, यहाँ पे टू, यहाँ पे नहीं अलग है, जाने दो, माइनस टू, यहाँ पे माइनस जीरो, अभी यहाँ पे सेम साइन आ गया ना, तो उससे कुछ मतलब नहीं, माइनस और माइनस क्या आ जाएंगे, माइनस हो जाएगा, और टू में जीरो को ऐड करेंगे तो टू ही मिलेगा, माइनस टू, फिर से इसका माइनस ले लेंगे, और इसको प्लस सेवन, तो क्या आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस, तो सेवन और टू कितना आ जाएगा, नाइन, और माइनस का साइन आ जाएगा, तो ये हो गया हम लोग का क्वेश्चन, कितना सिंपल है प्रॉब्लम, प्रैक्टिस सेट एट, एट है कि नाइन है, एट, माइनस टू, यहां से माइनस ले लेंगे ये वाला, और उसके बाद माइनस एट, तो माइनस माइनस क्या आ जाएगा, प्लस, प्लस एट में से टू जाएगा तो कितना बचेगा, सिक्स, सिक्स क्यों आएगा, क्योंकि प्लस में आ जा रहा है और पॉजिटिव नंबर्स ग्रेटर है, तो पॉजिटिव नंबर्स की वैल्यू आएगी, माइनस टू, माइनस टू,
माइनस वहां से ले लेंगे, माइनस यहां से भी ले लेंगे, ब्रैकेट में माइनस थ्री, और जितने लोग वीडियो देख रहे हैं उसका आंसर मुझे देंगे आप लोग कमेंट बॉक्स में, कंपलसरी है, और उसका आंसर आप लोग देंगे जरूर मुझे, है कि नहीं, मुझे बिलीव है आप लोगों पे। ओके, तो यहाँ पे हो गया हम लोग स्टैंडर्ड सिक्स मैथ्स प्रैक्टिस सेट एट कंप्लीट। सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर है आपको ये मल्टीप्लिकेशन का याद रखना है, माइनस माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस, प्लस प्लस इंटू माइनस माइनस, माइनस इंटू प्लस माइनस। एक चीज और बता दे रहा हूँ, प्लस थ्री प्लस फाइव, तो ये प्लस अगर एट हो जाएगा तो यहाँ पे माइनस सेवन और माइनस टू, तो ये भी माइनस नाइन ही होगा, क्या होगा, माइनस नाइन। और अपोजिट साइंस में अगर ऐड हो रहा है जैसे प्लस थ्री माइनस टू, तो जिसका साइन ज्यादा रहेगा वो आ जाएगा, ठीक है, जैसे यहाँ पे माइनस एट एंड प्लस टू, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा साइन किसका है, माइनस का, तो माइनस आ जाएगा, और उसमें से ऐड कर दो टू को, तो टू को ऐड करेंगे तो माइनस सिक्स बचेगा। समझ में आया कि नहीं आया, तो ये हो गया हम लोग का पूरा कंप्लीट मैथ्स का स्टैंडर्ड सिक्स। तो इस लेक्चर्स में अगर वीडियो लेक्चर्स में आपको कोई भी कहीं पर भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएंगे, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर देंगे, तो डेली जितने भी वीडियोस अपलोड होंगे आपको मिल जाएंगे टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट, और कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएंगे। थैंक यू।